हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक से बात या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की, जो क्रिप्टो करेंसी काफ़ी फेमस है। ओके, तो अब इट सीम्स लाइक कि अब ये खेल बन गया है एक। ओके, कोई भी आता है, कोई भी कुछ बोल देता है तो क्रिप्टो करेंसी भाग जाती है, कोई कुछ बोलता है तो क्रिप्टो करेंसी गिर जाती है, नेगेटिव वर्ड होते हैं तो उसी तरीके से बिहेव करती है जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो करेंसी वर्क करती है। क्योंकि और अगर बात करें तो लोगों के ही पैसे उसमें लगे हुए हैं। तो अगर हम बात करें इलॉन मस्क की, तो आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा थंबनेल में कि इलॉन मस्क चीटर या एक धोखेबाज इस तरीके से कह सकते हो। देखिए, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, नो डाउट, ओके, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन एंड ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। बट अगर बात की जाए इलॉन मस्क, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग शायद वो कर रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है कि जो नहीं होनी चाहिए एग्जैक्टली। ओके, एंड अगर बात की जाए इलॉन मस्क की, तो नो डाउट ही हैज़ अ वेरी गुड विजनरी। अगर बात की जाए, हाँ, वो स्पेस से रिलेटेड उनकी कंपनी है एज वेल एज टेस्ला उनकी कंपनी है, तो बट जिस तरीके से स्पेकुलेशन करके, ओके, गलत गलत न्यूज़ डाल के एक ट्वीट कर देते हैं तो ये हो जाता है। तो आप लोगों को देखिए फॉलो करना छोड़िए। ये वीडियो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, ओके, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी फैंसी चीज़ें रहती है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। पैसा कमाने का सिंपल एक तरीका है, वेट करना है, वॉच करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में पैसा लगाना है। ओके, कुछ भी ऐरा गैरा कुछ भी मार्केट में आया जिसे हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, जिसे आरबीआई सपोर्ट नहीं करता, ऐसी चीज़ में आपको पैसा नहीं लगाना, सिंपल। तो अगर बात की जाए क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, तो ये एक अगर बात की जाए डिजिटल एसेट है, ओके, या फिर अगर बात की जाए डिजिटल करेंसी, मतलब पासवर्ड दिया जाएगा आपको, ओके, कुछ पिंस दिए जाएंगे, उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो। और बड़ी फेमस भी हुई है बिटकॉइन, और बिटकॉइन के अगर बात की जाए तो बिटकॉइन के साथ साथ कुछ और करेंसीज भी आई है अगर बात करें तो, वो भी बड़ी फेमस हुई है। अगर बात करें यहाँ पर हम, तो डोज कॉइन्स आ गया, बिटकॉइंस हो गया, यहाँ पर आप देख लीजिए लाइट कॉइन्स हो गया, इथेरियम उसे हो गया, बिटकॉइन कैश हो गया, इथेरियम क्लासिक हो गया। तो इनसे रिलेटेड हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करने वाले हैं मेन टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर हम बात करते हैं क्या, तो यहाँ पर देखिए इलॉन मस्क, इलॉन मस्क मतलब कुछ भी कहते हैं तो क्या हो जाता है कि यहाँ पर पहले उन्होंने कहा कि हम आप बिटकॉइन से आप टेस्ला खरीद सकते हैं, ओके, वी विल एक्सेप्ट बिटकॉइंस, उन्होंने पहले कहा। तो बिटकॉइंस उन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिला, दे स्टार्ट बाइंग बिटकॉइंस, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कल की डेट में या आज की डेट में ही बोला है कि हम बिटकॉइन को नहीं खरीदेंगे। यहाँ पर देखिए एलन मस्क सेंड्स बिटकॉइन टम्बलिंग विद स्टनिंग यू टर्न ऑन पेमेंट्स। तो उन्होंने यहाँ पर आज बोल दिया नहीं, हम बिटकॉइन से आप टेस्ला नहीं खरीद सकते, ओके, हमें अभी, पहले तो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंट दिखाया अगर बात की जाए कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कह दिया ठीक है, आप अपने टेस्ला की पेमेंट कर सकते हैं बिटकॉइन के थ्रू। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ये क्रिप्टो करेंसी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके तो फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज के दिन में 15% आई थिंक डाउन हो गई है बिटकॉइंस। अगर बात की जाए इसी तरीके से उन्होंने डॉज कॉइन से रिलेटेड पहले बोला था ट्विटर पर आके, मतलब कोई भी ट्विटर पर आप लोग फॉलो करते हैं ठीक है, बट हर चीज़ में एक इंसान है वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, आपका ह्यूमन माइंड है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप एक अच्छे रास्ते पे हो या बुरे रास्ते पे हो। आप अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसकी अच्छी चीज़ें लीजिए, ना कि उसकी बुरी चीज़ें। अगर वो भगवान नहीं है कि वो कुछ कह देगा तो उसी तरीके से वो चीज़ होती रहेगी। तो पहले डॉज कॉइन के बारे में भी उन्होंने बोला कि हाँ अच्छे खासा ये फ्यूचर की करेंसी बन जाएगी, ये ऐसा, तो ये सीधे मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बन गई एक ही दिन में। फिर इसके बाद उन्होंने नेगेटिविटी बोली, ओके, और फिर उसके बाद में बार बार यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोगों से। अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर मैं दिखाऊँ, एलन मस्क आज फॉलोअर्स ऑन ट्विटर इफ टेस्ला शुड एक्सेप्ट डॉज कॉइन एज पेमेंट, ओके, लोगों से इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद लोगों को कॉन्फिडेंट आ रहा है, वो पीपल आर बाइंग। तो मुझे क्या लगता है कि इस तरीके की रूमर फैला गया, इस तरीके से कुछ भी ट्विटर पे ट्वीट करने से क्या हो रहा है कि ये शायद ना इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे होंगे, ओके, उन्होंने डाला होगा इस तरीके के एक कमेंट कर दिया, मिलियंस ऑफ पीपल आर फॉलोइंग हिम, वो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं तो वो दे स्टार्ट बाइंग बिटकॉइंस डॉज कॉइंस, इस तरीके के क्रिप्टो करेंसी बाइंग करना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है कि जब इस तरीके से इनके जो
भाव बढ़ जाते हैं, ऑब्वियसली बात है कोई चीज़ ज़्यादा खरीदी जाएगी तो उसका रेट ज़्यादा होता जाएगा। और फिर उसके बाद इस तरीके का एक नेगेटिव मतलब सीधे से वहाँ से निकाल लिए होंगे इन्होंने, और फिर उसके बाद दोबारा शेयर गिर गए होंगे। यहाँ पर 17% प्लंज आफ्टर एलन मस्क ट्वीट ऑन टेस्ला नॉट एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसी है। ओके, तो इस तरीके से पहले बोला कि हम लेंगे, फिर उसके बाद बोले नहीं लेंगे। इसी तरीके से बिटकॉइंस को किसी, कभी डॉज कॉइंस को प्रमोट किया, कभी बिटकॉइन को प्रमोट किया, कभी दूसरे कॉइंस को प्रमोट किया। तो ही इज़ अ गुड पर्सन नो डाउट, बट एवरी टाइम यू डोंट नीड टू फॉलो हिम। ओके, हर एक इंसान की अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ें भी होती है, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए। अगर बात की जाए यहाँ पर और भी बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, और इनसे ज़्यादा काफ़ी रिच भी है। अगर बात की जाए अपने ही इंडियन इन्वेस्टर की बात करें राकेश झुनझुनवाला की, तो झुनझुनवाला से समथिंग दैट फ्लक्चुएट 5-10% इन अ डे कांट बी कंसिडर्ड अ करेंसी। मतलब जो करेंसी 5-10% फ्लक्चुएट होती है, ओके, उसे करेंसी नहीं कह सकते हम। ओके, ही सेड द यूएस डॉलर फ्लक्चुएट 1-2% मेकिंग अ बिटकॉइन बिग न्यूज। ओके, अगर यूएस डॉलर भी 1-2% यहां पर फ्लक्चुएट हो जाता है तो एक बिग न्यूज बन जाती है, बट बिटकॉइन फ्लक्चुएटिंग 5-10% ऑलमोस्ट एवरी डे। ओके, मतलब हर दूसरे दिन में यहां पर 5-10% यहां पर मतलब ऊपर नीचे होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। ही सेड द रेगुलेटर मस्ट इंटरवीन एंड बैन क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। मतलब इंडिया में ये बैन होनी चाहिए। तो अगर बात की जाए आरबीआई गवर्नमेंट, ओके, बहुत सारी कंट्रीज इसे सपोर्ट नहीं करती है, तो इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। और जब अपनी अगर कल की डेट में कुछ नेगेटिविटी होता है तो ऑब्वियसली बात है आर कंट्री और आरबीआई या कोई भी है वो आपको कोई भी सहूलियत नहीं देगा। ओके, एज वेल एज अगर कोई किसी तरीके की आपकी बातें नहीं मानी जाएगी, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देना। एज वेल एज अगर बात की जाए दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, उन्होंने भी कह दिया बफेट हैज कॉल्ड बिटकॉइन अ डिल्यूजन एंड रेड पॉइजन। समझ रहे हैं ना, मतलब चूहे मारने की एक दवा कह रहे हैं। एंड ही वोड लास्ट ईयर टू नेवर ओन एनी क्रिप्टो करेंसी। तो उन्होंने कसम भी खाई है लास्ट ईयर ही कि वो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को नहीं खरीदेंगे। आर्ग्यूइंग दे अट्रैक्ट चार्लेंस एंड बेसिकली हैव नो वैल्यू। ओके, मतलब किस कोई वैल्यू ही नहीं है इस चीज। जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे कह रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। धीरे धीरे चलिए, आराम आराम से चलिए। ओके, डेफिनेटली पैसा बनेगा। ही मेड हिज $1 million एट द एज ऑफ 32 or 33। ओके, इन्होंने भी आज की डेट में मतलब 65 ईयर्स की एज में तब जाके इनके पास $3 billion है। तो इस चीज़ को आप समझिए। ओके, और धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। देर आर लॉट ऑफ स्टॉक इन द मार्केट। ओके, जो बिजनेस के बेसिस पे आप कुछ चीज़ पैसे दे रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है यू आर बाइंग समथिंग, बट आप क्रिप्टो करेंसी में किस चीज़ को बाई कर रहे हैं। इफ़ यू आर पेइंग इन अ गोल्ड, तो मतलब गोल्ड की तो वर्ल्ड वाइड वैल्यू है ना, दैट्स वाई यू आर पेइंग फॉर द गोल्ड। ओके, अगर क्रिप्टो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है सो आप अभी इसमें रिस्क मत लीजिए टिल दैट गवर्नमेंट इसे अप्रूव ना कर दे। टिल दैट गवर्नमेंट भी खुद कह रही है कि हम खुद अपनी एक करेंसी ले जाएंगे, एट दैट टाइम यू कैन थिंक अबाउट इट। बट अभी जब वॉरेन बफेट साहब, राकेश झुनझुनवाला साहब, मैंने बिग इन्वेस्टर्स आर टेलिंग यू कि नहीं इस तरीके की करेंसी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, सो डोंट फॉलो एलन मस्क, डोंट फॉलो एनी पर्सन हु इज़ जस्ट मैनिपुलेटिंग द क्रिप्टो करेंसी। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ओके, सिंपली अपने देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक इन द मार्केट, उसमें इन्वेस्ट करो। अगर बात की जाए 8000 से ज़्यादा यहाँ पर कंपनीज है मार्केट में लिस्ट, एक एक करके आप उसकी स्टडी करो, धीरे धीरे पैसे इन्वेस्ट करो और आपको अच्छा खासा पैसा मार्केट में बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज़ से रिलेटेड ये वीडियो थी। ओके, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को जो फास्ट ग्रोइंग चीज़ें होती है, जो जल्दी पैसा बना के देती है, जो एक दिन में ही डबल पैसा कर देती है, ऐसी चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बट वो एक सुसाइड होती है। दैट्स वाई वी नेवर प्रमोट ट्रेडिंग। ओके, स्विंग ट्रेडिंग की हम बात अलग करते हैं, बट स्विंग ट्रेडिंग इज़ नॉट अ कंप्लीटली ट्रेडिंग, क्योंकि वो ऑप्शन और उसमें फ्यूचर में नहीं आता। वी कैन होल्ड दैट पोजिशंस। अगर बात की जाए यहाँ पर हम लास्ट से लास्ट अगर बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ही बात करते हैं, तो इसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो थी। ओके, इन्वेस्टेड रहो, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करो, धीरे धीरे पैसा बनेगा। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि आज की डेट में आज पैसा लगाओगे एक कल की डेट में पैसा बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ओके, क्रिप्टो करेंसी हो या कोई भी करेंसी हो, जब गवर्नमेंट प्रमोट करे कुछ ऐसी पॉजिटिविटी हो, एट दैट टाइम आप इन्वेस्ट करो। जहाँ पर बड़े बड़े लोग मना कर रहे हो, एट दैट टाइम यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट एनीथिंग। सो इसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए। बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।